ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय बजट पर चर्चा करने के लिए एक नई पैनल, नए गेस्ट, नए विशेषज्ञ मौजूद हैं। गौतम कोठारी साहब इंदौर पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष हैं, उद्योगपतियों की बातें रखते हैं, उनकी समस्याएं उठाते हैं और लंबे समय से उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। बहुत बारीकी से जानते हैं कि उद्योग जगत को बजट से क्या चाहिए होता है। मेरे दूसरे खास मेहमान हैं युवा सीए कीर्ति जोशी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के इंदौर ब्रांच के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पर उनके लेख छपते रहते हैं और बहुत बारीकी से वो बजट की मीमांसा करने के लिए जाने जाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गौतम कोठारी साहब, चूंकि आप तो औद्योगिक संगठन से हैं, पीथमपुर औद्योगिक संगठन के बहुत लंबे समय से आप अध्यक्ष हैं, उद्योगपतियों की इन और आउट्स सब आप जानते हैं, ये बजट उद्योग जगत के लिए कैसा है? अगर मैं ये कहूँ कि उद्योग जगत के भविष्य के लिए ये बजट जो है वो एक प्रकार से अच्छा बजट कह सकते हैं, वो इसलिए कि इसमें जो प्रधानमंत्री गति योजना पर मेन फोकस है और इसमें जो सात साकार हमारे वित्त मंत्री जी ने जो जोड़े हैं, जिसमें रेल भी है, जिसमें सड़क भी है, जिसमें वाटरवेज भी हैं, तो ये जो सारा किया है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फ़ायदा हमारे देश के उद्योगों को अपने गुड्स मूवमेंट के लिए हो सकेगा और अच्छा फायदा होगा। लेकिन बस इसमें एक ही कमी रह गई है कि हमारे देश का जो मॉडल है ट्रांसपोर्टेशन का, वो चीपेस्ट मॉडल सिर्फ रेलवे है या वाटरवेज है। तो रेलवे पे और वाटरवेज पे ऐसा कोई फोकस इस बजट में नहीं दिखाया गया, जबकि हाईवेज पे 25,000 किलोमीटर हाईवेज बनाना, उस पर सरकार, केंद्र सरकार 20,000 करोड़ का सपोर्ट देगी, लेकिन 25,000 किलोमीटर के जो हाईवेज बनेंगे तो उसमें निश्चित रूप से नहीं करते करते 20-25 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और वो इन्वेस्टमेंट बाद में जाकर के टोल वगैरह के रूप में वसूला जाएगा, जो किसी भी प्रकार से परिवहन की लागत को बढ़ाता है। इसका एक पक्ष, सुनहरा पक्ष सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट में तुरंत पैसा खर्च होगा और तुरंत पैसा खर्च होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीमित समय के लिए सही, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो ये एक इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कोर सेक्टर इससे पनपेगा, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनको भी फायदा मिलेगा, उनके शेयर्स ऊँचे जाएंगे और इमीडिएट जो मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, तो उस दृष्टि से इसको विन विन कह सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो कही गई है वो है एसीजेट पॉलिसी को फिर से रिन्यू करना और नए सिरे से उसको लागू करने की बात निर्मला जी ने की है। आपको ध्यान होगा कि जब आरंभ में कांग्रेस सरकार के समय एसीजेट पॉलिसी लाई गई थी तो बहुत तेज़ी से एसीजेट में उद्योग लगे थे और इससे एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ था। इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जो पीथमपुर का एसीजेट है उसमें 2005 से लेकर आज तक कभी भी निगेटिव इंक्रीज नहीं रहा, हमेशा पॉजिटिव इंक्रीज रहा और पॉजिटिव इंक्रीज भी करीब करीब एवरेज 25% इंक्रीज के रूप में आया। तो ये एक फ़ायदा एसीजेट से हो सकता था, लेकिन फिर कांग्रेस सरकार में ही चिदंबरम जी ने इसमें मैट लगा दिया। जब उद्योगों पर मैट लगाया तो उसके बाद ये जो एसीजेट की इंडस्ट्रीज है उनमें कोई फ़ायदा दिखने नहीं लगा और धीरे धीरे जो इनकम टैक्स की छूटें थी वो भी ख़त्म हो गई। तो आज की तारीख में एसीजेट में कोई इंडस्ट्री लगाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो जितनी बची हुई ज़मीन थी उसको हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने डी नोटिफाई करा करके जनरल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये जो एसीजेट पॉलिसी की निर्मला जी ने जो घोषणा की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसकी पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी में सरकार जो एसीजेट की इंडस्ट्रीज है उनको इनकम टैक्स की छूट के साथ साथ मैट की छूट भी प्रदान करेगी। कीर्ति जोशी जी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नज़रिए से इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं, खासकर उद्योग जगत, कॉरपोरेट सेक्टर, व्यापार जगत को किस तरह से ये बजट प्रभावित करता है? न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ कामकाज भी तो हो, कब तलक रहेगी वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार कल क्यों, कभी तो आज भी हो। ये इस बार का जो बजट है इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, आम करदाता को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी,
एक्सपेक्टेशन थी एक महीने में कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2014 में लास्ट टाइम जो है 2.5 लाख की गई थी, इंक्रीज की गई थी, उसके पश्चात आज तक कोई चेंज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में नहीं रहा। ATC जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी भी जो लिमिट है काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी थी। होम लोन 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन अगेन 2014 में ही इसको रिवाइज करके 2 लाख रुपीज़ तक लेकर आए थे। तो यहाँ पर एक आम करदाता को एक्सपेक्टेशन थी कि बेसिक एग्जम्पशन कुछ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में जो होम लोन की रीपेमेंट इंटरेस्ट की डिडक्शन है उसमें कोई लिमिट का इंक्रीमेंट होगा तो कहीं कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम लास्ट ईयर से अभी के बीच में देखते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब वर्सेस न्यू टैक्स स्लैब को, तो ये समझ में आता है कि मैक्सिमम जो बिजनेस क्लास थे उन्होंने ओल्ड टैक्स स्लैब को ही कंटिन्यू किया और न्यू टैक्स स्लैब में वो लोग नहीं गए। तो एक ये आशा लगाई जा रही थी इस बजट से, उम्मीद थी कि ऐसा कर दिया जाएगा कि हर साल आप उसको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं बिजनेसमैन, जबकि ये उनके लाइफ टाइम में एक ही बार का ऑप्शन दिया गया था। टैक्स स्लैब को लेकर अगर बात करें, पार्टनरशिप फर्म्स और LLP ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि कॉरपोरेट टैक्सेशन हमारे यहाँ एवरेज 22.5% हो गया है और यहाँ पर अभी भी 30% टैक्स स्लैब है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ऐसा कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर कुल मिलाकर आया नहीं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि क्रिप्टो के ऊपर जो 30% का टैक्स लगाया गया है ये 21 अप्रैल से लगा दिया गया है। दैट मीन्स कि अब कुछ लोग जो सोच रहे थे कि इसमें कहीं प्लानिंग होगी या कुछ प्लस माइनस कर पाएंगे या जो पहले निकल चुके हैं उनको कुछ टैक्स बेनिफिट होगा, तो ऐसा नहीं है। 21 अप्रैल ऑनवर्ड्स क्रिप्टो के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस पर 30% टैक्स है, और 30% टैक्स आने से एक चीज़ और निश्चित हो गई कि बार बार एक अनिश्चितता का माहौल बन रहा था, कहीं पर लग रहा था कि यार बैन ना कर दे गवर्नमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उन सब चीज़ों का एक रिलैक्सेशन मिला है। एज फार एज दी अदर फैक्ट्स आर कंसर्न, जिसमें एजुकेशन सेस और SAH को लेकर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अब इसकी जो डिडक्शन क्लेम करते थे वो डिडक्शन आप बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बजट में जब देखा जाए कि टैक्सेशन पर से कुछ दिया गया, तो टैक्सेशन पर से एज फार एज अभी जितना, क्योंकि फाइनेंस बिल कम्प्लीटली हम लोगों ने अभी देखा नहीं है तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग, बट जितना माननीय FM ने अपने भाषण में कहा उससे तो निकलकर बहुत कुछ टैक्सेशन पर से सामने नहीं आ रहा है। यस, इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ चीज़ें हैं, GST में कुछ अपेक्षाएं थी, अपीलेट ट्रिब्यूनल GST में GST लागू हुए लगभग 4.5 साल हो गए हैं, बहुत सारे विवाद अब फर्स्ट स्टेज से निकल चुके हैं और पेंडिंग पड़े हुए हैं, बट GST ट्राइब्यूनल की स्थापना को लेकर कोई बात नहीं की गई, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST एम्बिट में लाने की कोई बात नहीं की गई। तो ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी जो इस बजट से थी, बट उन सब के ऊपर एक साइलेंस मिला है। कोठारी जी, राहुल गांधी का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में MSME के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप MSME संगठनों से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की बात सही है या सरकार की बात सही है? एक चीज है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, नजरिया होता है हम किस तरफ से देख रहे हैं। अगर राहुल जी का नजरिया तो समझ सकते हैं, वो कांग्रेस में है, नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है, तो उनका नजरिया नेगेटिव हो सकता है, वैसे देखा जाए हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसको 1 साल तो बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जोशी जी ने कहा टैक्सेशन पार्ट, आज जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो कंपनीज लिमिटेड कंपनीज में रहता है और जो MSME सेक्टर है वो या तो इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में है। अब पार्टनरशिप में इंडिविजुअल में कहीं टैक्स की कोई किसी प्रकार से छूट नहीं दी जाना, ये अपने आप में एक कठिन परिस्थिति है। वैसे कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसमें अगर नई इंडस्ट्री डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उसको टैक्सेशन के जो स्लैब है वो 15% का है, तो 15 से यानी वो करीब करीब मिला करके सब से जोड़ दें तो 17.16% होता है। तो एक तरफ तो उसको 17.16% पे टैक्स की स्थिति है, दूसरी तरफ जो MSME जो बेचारा इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में है या HUF में है, तो उसको तो जो टैक्स स्लैब पड़ रहा है वो तो बहुत हाई है। तो ये बात तो अपनी जगह में सही है कि MSME को वैसे देखा जाए तो MSME के लिए बातें तो सही में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन MSME को जिस प्रकार का सपोर्ट इस कोरोना काल के बाद पेंडेमिक, मतलब राहुल गांधी की बात सही है, उसकी बात में कुछ तो दम है। वो इसलिए है कि पेंडेमिक के बाद में जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखिए आज रॉ मटेरियल के दाम जो हैं वो लगभग 1.5 गुना हो गए हैं,
किसी भी उसमें चले जाइए, चाहे लोहा है, चाहे मेडिसिन के उसमें रॉ मटेरियल है, किसी भी रॉ मटेरियल पे चले जाइए, वो डेढ़ गुना हो गए। यानी अब जो एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल चाहिए वो डेढ़ गुना चाहिए, और दूसरी तरफ उसने कोरोना काल में खोया ही है, यानी उसकी वर्किंग कैपिटल उसके पास से निकली है, तो ऐसे समय में उसको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए। और बैंकों ने जो रवैया अपना रखा है उस रवैये में एमएसएमई को कुछ कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे अब गवर्नमेंट ने कहा डिफेंस सेक्टर में हम इंडस्ट्रीज़ को लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, और काफ़ी बड़ा परसेंटेज उनने डोमेस्टिक सेक्टर के लिए तय किया है। अब डोमेस्टिक सेक्टर के लिए तय जरूर कर दिया है, लेकिन वो डिफेंस सेक्टर का माल एमएसएमई बनाएगी या बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज बनाएगी, अभी तो ये सब पर्दे खुलना बाकी है। तो ये पर्दे खुलेंगे तब मालूम पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये जो डिफेंस सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को तब तक बनाने में उपयोगी नहीं होंगी जब तक कि उनको विशेष रूप से ध्यान रख करके और उनको ये काम दिया जाए। तो ये रिजर्वेशन कहीं ऐसा बनाया जाए, तो रिजर्वेशन तो आजकल सब खत्म हो गया, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, चाहे स्मॉल स्केल है चाहे लार्ज स्केल है। तो हमारी जो पॉलिसी चलती रही है वो शुरू से अब ये हो गई कि धीरे धीरे हमने जो स्मॉल स्केल सेक्टर के रिजर्वेशन थे, रिजर्व आइटम थे, वो सारे भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद में जो बैंकें हैं उनको पैसा लगाने में कॉरपोरेट ज़्यादा अच्छा दिखता है या फिर NBFC ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना वो अपनी लास्ट प्रायोरिटी समझते हैं। तो मतलब ये कहना है कि एमएसएमई के लिए जो बहुत दिया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है जैसा गौतम कोठारी साहब ने बताया। लेकिन कीर्ति जोशी जी, भाजपा जैसे कहा गौतम कोठारी साहब ने कि सबका अपना परसेप्शन होता है, राहुल जी का परसेप्शन किस तरह से सोच रहे हैं, भाजपा कह रही है, भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं कि किसानों की आय को डबल करने वाला है बजट, और ये बोनांजा है, ये एक बूस्टर है अर्थव्यवस्था के लिए, एक पावर इंजन इसमें लगा दिया गया है, क्या ऐसा ही है? सबसे पहले अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जैसे आपने कहा तो भारत में 40% पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इज 55,000 रुपीज़ पर एनम। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई की, सो एमएसएमई पर कैपिटा इनकम इज 1,65,000 एंड 23% आर डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर। 15% of the total population is dependent on service industry and the per capita income of service industry is 2,65,000 rupees per annum. तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है उससे 7 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कॉन्ट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री। तो 55,000 अगर हम आज़ादी के 70 साल के बाद भी अगर बैठ कर ये बात कर रहे हैं कि 55,000 इज द पर कैपिटा इनकम इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द एग्रीकल्चरिस्ट, और अगर हम क्रॉप वाइज बात करें तो जितनी इंडिया के अंदर टोटल हमारे पास इरिगेटेड लैंड है, चाइना उससे हाफ इरिगेटेड लैंड में लगभग उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है। सो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो अभी भी बहुत स्कोप है हमारे यहाँ पर एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, कि हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आना है। तो अब अगर मान लीजिए इस बजट में हम उसको लेकर भी बढ़ते हैं, लेकर भी आते हैं, तो सबसे पहले हमें किसानों के ऊपर इस तरीके की आत्मनिर्भरता रखनी होगी कि जो डबल प्रोडक्शन हमारी कंपेरेटिवली कहीं दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है तो उसको हम कैसे मीट आउट करते हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ आई हैं इससे हम अगर 2-5% उसको प्लस कर भी लेते हैं तो भी हमारा और उनका जो डिफरेंस है वो आय डबल होगी कि नहीं होगी? योगी जी कह रहे हैं कि किसान की आय डबल हो जाएगी। मुश्किल है सर, आय डबल होना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इन कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड ऑल अदर फैक्टर्स वी कैन नॉट से दैट कि इनकम डबल होगी। रिसिप्ट हो सकता है कि बढ़ जाए, बट इनकम डबल होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गौतम कोठारी साहब, उद्योग जगत में ये बात बहुत आप अक्सर उठाते रहते हैं मंच पर कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम टाटा बिरला अंबानी अडानी और महिंद्रा और फलाने बड़े ढिकाने जितने भी हमारे टाइकून्स हैं इनके लिए तो रेड कारपेट बिछा देते हैं, पलक पावड़े बिछा देते हैं, सरकारें बिछ जाती हैं, शिवराज जी भी बिछ जाते हैं, मोदी जी बिछ जाते हैं, लेकिन जो बेचारा कारीगर है जो कुटीर उद्योग चला रहा है, छोटे छोटे धंधे कर रहा है, छोटे उद्योग लगा रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये बजट क्या उस आदमी पर उस सेक्टर पर फोकस करता है? इस बजट में एक बात कही है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू डेवलपमेंट पे
इस बजट में काम करेंगे, इस बजट में कुछ सपोर्ट उनको देंगे। अब पोस्ट ये एक्चुअल में दोनों के लिए, कुटीर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और आपके किसान, दोनों के लिए विन विन होता है। अगर किसान का उत्पादन कोई उद्योग में काम आ जाए और उद्योग में उसका वैल्यू एडिशन होने लग जाए तो निश्चित रूप से किसान को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति बन सकती है और बनना भी चाहिए। लेकिन ये जो बातें हैं, मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ कि सरकार जो है फूड इंडस्ट्रीज़ को और ये इसको आगे ले जाएगी और इसमें काफ़ी फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी, ये जो जो कृषि बिल वापस लिए, हाँ, और किसानों के लिए कुछ इस तरह की बातें कही गई कि आपके लिए हम फूड इंडस्ट्री डाल देंगे वहीं पर, मंडियों में जाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी, आप खुद अपने बाहर बेच सकेंगे, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि किसानों को? देखिए ऐसा है, सरकार कुछ नहीं डाल सकती। सरकार के पास एक ही टूल है, वो ये है कि वो ऐसा कानून और ऐसी पॉलिसीज लाए कि जिससे उद्योग अट्रैक्ट हो। आज वो आप सोचो कि चींटी को अगर गुड़ खाने का कोई निमंत्रण पत्र तो नहीं देना पड़ता उसके लिए, तो गुड़ रख दो तो चींटी आ जाएगी। वैसे ही हमारे उद्योगपतियों की स्थिति है कि आप ऐसी पॉलिसीज बना दीजिए कि जिससे वो उद्योग आ जाए। अब आप अगर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ऐसी पॉलिसीज लाइए कि जिससे उद्योग अट्रैक्ट हो। अगर मैं आज इन्वेस्टर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि किसी फूड प्रोसेसिंग में कोई बेनिफिट है, कोई फायदा होने वाला है, तो मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँगा? तो ये तो सरकार को ना तो उद्योग लगाती है ना उसको लगाना चाहिए। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम जो है निश्चित रूप से कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जिससे वो जो दिशा है वो मिल सके। तो आज अगर इन्वेस्टमेंट को, उद्योगों को दिशा देनी है तो उसके अनुसार पॉलिसी बनानी पड़ेगी और ये काम सरकार कर सकती है। कीर्ति जोशी जी, क्या ये बजट डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है? इस बजट में ऐसा प्रावधान है, क्योंकि सरकार को जीएसटी कलेक्शन अच्छा आया जनवरी में, लेकिन फिर भी सरकार को बहुत सारे डेफिसिट बजट, वो उन्होंने कहा कि वो 6.4 तक रखने की कोशिश करेंगे, रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे वक्त बताएगा। और गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम डेफिसिट बजट जो है वो 4% तक लाएंगे। तो ये डेफिसिट बजट कम करने के लिए क्या डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं? सर, दो चीज़ें हैं। जैसा कि आपने कहा कि सरकार को वैसे भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो डिसइन्वेस्टमेंट एज फार एज दी मतलब पॉलिसीज कंसर्न, इट्स गुड। वाई इट्स गुड? क्योंकि जब पैसा प्राइवेट प्लेयर्स को आप देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जब उस काम को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और शुरू के 20 साल में अगर हम देखें, 91 के पहले देखें, तो 91 के पहले का इंडिया और उसके बाद के इंडिया में बहुत फ़र्क हमें देखने को मिला। और वो फ़र्क इसीलिए देखने को मिला क्योंकि उसके पहले की जितनी भी पॉलिसीज थी उस सब में गवर्नमेंट खुद बिजनेस करने में लगी हुई थी, और 91 के बाद जब है वो ग्लोबलाइजेशन हुआ और मनमोहन सिंह, और उसके पश्चात जो है वो हमें चेंजेस देखने को मिले। सो नो डाउट डिसइन्वेस्टमेंट इज़ गुड। फॉर जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं और 4% की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट ईजी कि 4% रहेगा। अभी तो करंटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि विश्व में बाकी सब कंट्रीज मंदी में जूझना चालू हो गई हैं, सभी जगह आर्थिक मंदी लगभग आ चुकी है, और इंडिया महंगाई के कारण इसका बड़ा असर पड़ रहा है। विश्वव्यापी महंगाई है, विश्वव्यापी है, और इंडिया भी इससे कब तक अछूता रहेगा, गॉड नोस। तो इन्फ्लेशन को भी अभी इस फाइनेंशियल डेफिसिट में ध्यान नहीं रखा गया है, तो इन्फ्लेशन के कारण भी ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा बढ़कर आएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये 4 तक जावे। अगर ये 6.5 भी रह जाता है तो गवर्नमेंट का एक अचीवमेंट रहेगा एज फार एज द फिस्कल डेफिसिट इज कंसर्न। और जब हम इकोनॉमी को देखते हैं, मंदी और तेजी, तो जब हमें अगर मंदी देखना है किसी भी इकोनॉमी में, तो FMCG प्रोडक्ट्स से हम उसे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मार्केट में जैसे जैसे FMCG प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती जाती है तो ये माना जाता है कि मंदी की सुगबुगाहट चालू हो गई, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले लग्जरी आइटम पर अपने खर्चे कम करता है, और जो इस तरह के परफ्यूम्स और इस तरह की टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके ऊपर हमें मंदी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कुछ अलग तरह का हमें देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ XUV का सेल बढ़ा है, XUV के अंदर ऐसा हुआ है कि महंगी कारें बिक रही हैं, और हमें एक एक महीने से लेकर 5-5 महीने तक की वेटिंग उन कार्स में करना पड़ रही है। लेकिन जो गरीब लोगों के लिए काम की जो चीज़ें हैं उसके अंदर अभी भी एक कहा जाए तो डिमांड सप्लाई अभी भी स्टिल देर। इसका मतलब ये हो रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है,
और गरीब होता जा रहा है। अभी जो पिछली परिस्थितियां आई हैं उस परिस्थिति के हिसाब से तो मंदी जो स्टार्ट हुई है वो नीचे के तबके के पास उतनी इनकम नहीं बच रही है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा कर पाए। जिसके पास पैसा है उसके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, तो ये एक डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखने में आ रहा है। गौतम कोटवाल साहब, आपने कुछ नोट किया, कुछ रेखांकित आप करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो कुछ एक जो आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। मैं इसी बात पे आना चाहूँगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट को हम बहुत आगे ले गए। पिछले साल 6.9% था, इस साल 6.4% पे लाने की बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे। अब 6.4% भी कम नहीं है, यानी कम से कम 20-22 लाख करोड़ का डेफिसिट इसमें आएगा। तो वो 20-22 लाख करोड़ का ये जिस हिसाब से बता रहे हैं, इसमें 16 लाख करोड़ का करीब गैप है बजट में। जो टोटल बजट है 39.45 लाख का है, बजट में जो इनके रिसीवेबल्स हैं वो 22.84 करोड़ हैं। तो उस हिसाब से जो गैप है वो 16.61% का है। ये बोरोइंग से ही आएगा या थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा या बोरोइंग से आएगा, मतलब बोरोइंग मतलब उधार की अर्थव्यवस्था पे हम काम करेंगे। जहाँ तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन इसको इस प्रकार से समझिए कि मेरे बाप दादाओं ने अगर मान लो बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली और मैं अब कुछ नया अर्न नहीं करता हूँ, पिछली बिल्डिंग का बेच करके ऐश करता हूँ या अपना खर्च चला रहा हूँ, तो इसको क्या आप अच्छा कहेंगे? क्या ये बात सही होगी कि मैं अपनी पुरानी एसेट्स को बाहर करूं और उसके बाद में सपूत तो वो माना जाएगा जो अपने बाप दादाओं की संपत्ति को और बढ़ाना है। तो मेरा कहना ये है, अब वैसे भारत में तो ये भी कहा जाता है कि होय पूत सपूत तो क्या धन संचय है और होय पूत कपूत तो क्या धन संचय है। तो आप तो उसी पे चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ये जो कैपिटल खड़ी करने की बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब इसको हम धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरे तरीके से इसको डिसेमिनेट करते तो भी बात समझ में आती। अब जो कैपिटल उसमें जो हम खर्च कर रहे हैं वो बहुत नॉमिनल है, जिस हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा है और हम वापस उसको जो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं वो कम है। मेरा ये मानना है कि हमको उसमें ऐड करना चाहिए। अगर मैंने मेरी कोई प्रॉपर्टी बेची 10 लाख रुपए की, तो 5 लाख जोड़ करके 15 लाख की नई क्रिएट करूं, तो मेरे को समझ में आता है जो आम आदमी के उपयोगी हो। अगर उस पैसे से हम अगर रोड की कनेक्टिविटी गांव-गांव तक कर दें, रेल की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ा दें, ये सारा कुछ कर दें तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। अब रेलवे में ये दिख रहा है कि सरकार उसमें भी ट्रेनें चलने वाली है, तो उसमें अब ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उससे निश्चित रूप से गरीब आदमी आहत होता है। उसको लग रहा है वंदे भारत किसके लिए है, एक्सप्रेस हाईवे किसके लिए है। आम आदमी तो एक्सप्रेस हाईवे में चलने वाला नहीं है, आम आदमी वंदे भारत में चलने वाला नहीं है। आम आदमी को तो लोकल पैसेंजर ट्रेन वगैरह मिलती है, जाने आने का साधन सस्ती टिकट में अगर उसको जाना आना हो जाता है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो ये सब तो विसंगतियाँ इस बजट में है। कीर्ति जोशी जी, मैं समय गौतम कोटवाल साहब रोकना चाहूँगा, समय हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत जल्दी मैं आपसे समअप चाहूँगा इस बजट के बारे में कि इस बजट को आप किस तरह देते हैं, एक समअप नोट आपकी तरफ से। मैं तो सर इसे इस तरीके से देखूंगा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो पैसा लगाने की बात की है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई, वो अच्छी पॉलिसी है और निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो लेकर आए कि आंगनवाड़ी में जो है स्मार्ट क्लासरूम्स के थ्रू बात की जाएगी, तो ये एक अच्छा प्रयास है कि बच्चों को कम से कम, मतलब अभी तक जहां हम लैग कर रहे थे कि हम पेड़ पत्तों पर पानी दे रहे थे और जड़ें हमारी स्ट्रांग नहीं हो रही थी, तो अगर एजुकेशन सिस्टम शुरू से हम स्ट्रांग करेंगे उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। और कैपिटल सब्सिडी जो है वो दी गई है एमएसएमई के लिए, इम्पोर्ट में कुछ कैपिटल गुड्स के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है, तो निश्चित रूप से जो एमएसएमई है उनको इंडस्ट्री लगाने में उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो दीज ऑल आर द गुड पॉलिसीज। कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो जितनी रिलीफ टैक्स एक आम टैक्स पेयर ने एक्सपेक्ट की थी वो उसे नहीं मिली। एक उदाहरण देता हूँ कि लेट से अभी हमारे पास जो जीएसटी की रेट्स है, बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी का रेट्स बहुत अलग तरीके से चल रहा है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस पर, तो इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट इज 18% और मेडिक्लेम इंश्योरेंस आज की नीड है, और वहाँ पर अगर 18% जीएसटी मुझे पे करना पड़ता है तो मेरी मेडिकल कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती है, तो वहाँ पर कमी की जा सकती थी। तो कुछ कमियाँ हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो हम ये कह सकते हैं। थैंक यू कीर्ति जोशी जी, थैंक यू गौतम कोठारी साहब, बहुत बारीकी के साथ आपने उद्योग जगत की बात की, आपने आम आदमी की बात करी।
ये होता ही है कि कुछ कमियां रहती हैं, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ओवरऑल बजट की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है बाजार से, शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से, और जो तमाम सर्व वर्ग हैं वो इस बजट को अभी सराहना कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस राह पे चल रही थी, जो उसका मकसद था 5 राज्यों के चुनाव में बढ़त लेने का, फ्रंट लाइन पर आकर खेलने का, कहीं ना कहीं वो फ्रंट फुट पर आकर खेलती हुई दिखाई दे रही है। हम एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे कुछ एक नई पैनल के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ, और नए बिंदु और मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, देखते रहिए केंद्रीय बजट 2022।